मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने आई युवती ने थाने में ही बच्चे को जन्म दे दिया। युवती की डिलीवरी कुंडीपुरा थाना की महिला पुलिसकर्मियों ने कराई। युवती और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। छिंदवाड़ा CSP मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि कुंडीपुरा थाना के अंतर्गत आने वाले गांव घाट परासिया की 14 वर्षीय युवती अपने साथ हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची थी, जहां रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले ही उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वहां उपस्थित कुंडीपुरा थाना की महिला पुलिसकर्मियों ने थाने में ही युवती की डिलीवरी कराई। इसके बाद पुलिसकर्मी ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि महिला और बच्चा दोनों स्वस्थ है और प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। कुंडीपुरा थाना प्रभारी पूर्वा चौरसिया ने बताया कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। वो पुलिस थाने में डिलीवर्ड हो गया था वो केस, हमारे पास CSP और TI मैडम ने लेके आए थे। एट प्रेजेंट हमारा मरीज बिल्कुल स्वस्थ है, नीचे थोड़े हमें टाके लगाने पड़ेंगे, बाकी बच्चे को अभी ICU में एडमिट किया गया है। और दरअसल एक फरियादी आई थी जिसके बाद जिसने बताया कि उसके साथ गाँव के ही लड़के ने किया है, फरियादी थाने में थी, अभी आज आई थी और लगभग 10 मिनट और उससे बातचीत जो है उसकी FIR दर्ज की जा रही थी, उसके बाद उसका प्रसव हो गया और बच्ची प्रसव हुआ तो थाने में स्टाफ मौजूद स्टाफ ने महिला काउंसिलर ने सजग तक लोग उसका प्रसव कराया है। देश व्यापार के मामलों में पुलिस सख्त रुख अपनाए हुए है। छिंदवाड़ा के सुकलुढाना क्षेत्र में चल रहे देव व्यापार के ठिकाने पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 3 युवती के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस CSP मोतीलाल कुशवाहा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल के निर्देश और मुखबिर की सूचना पर महिला थाना प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक की टीम ने छापामार कार्रवाई की है, जहां उन्होंने सुकलुढाना के एक मकान पर छापा मारा और यहां संदिग्ध परिस्थितियों में मौजूद 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 युवतियां और 5 युवक शामिल थे। सभी के खिलाफ पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले जिलेवार पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक शिकायत आई थी, जिसमें मोहल्ले वालों ने सुकलुढाना के शिव मंदिर के पास आसपास के रहने वाले लोगों ने एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके घर के नज़दीक मोहल्ले में देव व्यापार का दुर्व्यापार का खेल चल रहा है, उस पर कार्रवाई करने का उन्होंने अनुरोध किया था। श्रीमान के आदेशानुसार मुखबिर अलर्ट करके और उसी के निशानदेही पर कल रात 9 बजे के से लेकर के 1 बजे से तक की कार्रवाई में दबिश दी गई, जिसमें एक मकान से जो किराए के मकान था जो कुसुम के नाम पर था जो किराए का था, उसी के मकान पर से संदिग्ध अवस्था में 5 युवक और 3 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है।